नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते का हमारा सवाल है कि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार क्या है। कई बार हमें ऐसे लगता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है, हम आसानी से कह देते हैं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन वो स्वीकार नहीं है जब तक उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में या उस चीज के बारे में मेरे मन के अंदर कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई नाराजगी है और मैं अगर उसे बदल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अगर कह रही हूँ कि मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो एक्चुअल एक्सेप्टेंस नहीं है। जिसे स्पिरिचुअलिटी में एक्सेप्टेंस कहा जाता है, स्वीकार कहा जाता है, वो है कि मैंने इसे सोच समझ कर बिना नाराज हुए, बिना कोई अपने मन के अंदर नेगेटिव फीलिंग रखे एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि जब इस तरीके का एक्सेप्टेंस आ जाता है हम में, तो हम उस व्यक्ति, चीज या घटना के बारे में नाराज नहीं रहते, हम उसे आसानी से माफ भी कर देते हैं और भूल भी जाते हैं जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरी तरह से, और उस बात को हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जो हो रहा है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते या उसके विरुद्ध ही, उसके अपोजिट ही सोच कर या बोल कर या काम करके खुद को तकलीफ देते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता, तब तक हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे नहीं बढ़ सकती। और इसीलिए ये एक्सेप्टेंस जो है, सहजता से बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी नेगेटिविटी के, वो रियल एक्सेप्टेंस है, वो सच्चा स्वीकार है। तो इसका मतलब, अगर कई बार लोग पूछते हैं कि जो हो रहा है उसे होने देना है क्या, हम बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट कुछ ना करें, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, आपको करना है, लेकिन आपके ट्राई के, आपके करने के बावजूद भी अगर आप उसे बदल नहीं पा रहे हैं, तो आपको उस बात को एक अपना लेसन समझकर या एक चैलेंज समझकर उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये तो ऐसा ऐसा है, अब मुझे क्या करना है। ना कि ये कैसे बदलेगा, इसी पे हम ज्यादातर सोचते रहते हैं कि अगर ये बदल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे ठीक लगेगा, मैं छुटकारा पा लूंगी इस प्रॉब्लम से। या तो हम नाराज हो जाते हैं उस व्यक्ति, घटना या चीज से और बिल्कुल ही उसे क्लोज कर देते, उसको भूलने की या उसके बारे में ना सोचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो भी एक्सेप्टेंस नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसा हमने देखा है कि सबकॉन्शियस के अंदर वो ट्रॉमा, वो दुखद फीलिंग्स, वो नेगेटिव इमोशंस हमारे दबे पड़े रहते हैं, और जैसे ही जब जिस वक्त उन्हें ट्रिगर मिलता है, वो फटाक से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि भूलने की कोशिश करना ये दिमाग का काम है, और दिल जो हमें बता रहा है, मैं अब तक इस बात को नहीं भूल पा रही हूँ, मैं सहजता से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो तब तक आपको उस पर काम करना है, अलग अलग टेक्निक्स को यूज करना है कि मैं इसे आसानी से, सहजता से कैसे स्वीकार कर लूँ जो भी हो रहा है, जो भी हो चुका है। क्योंकि कई बार तो ऐसे होता है ना कि जो हो चुका है उसे भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और अपने आप को पनिश करते रहते, अपने आप को तकलीफ देते रहते हैं, अपने आप को सजा देते रहते हैं कई कई साल तक या उम्र भर, क्योंकि वो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से होता है, खुद ही खुद को सजा देना। क्योंकि जहां पर एक्सेप्टेंस आ गया, वहां पे बहुत आसानी से और सहजता से फॉरगिवनेस आ जाता है, यानी माफ करना। क्योंकि अगर कोई चीज वैसी ही है, अगर इस बात को हम समझ लेते हैं, तो हम उन्हें आसानी से माफ भी कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा क्यों है, अगर इस पे हम लड़ते रहते हैं, तो ना तो हम दूसरों को माफ कर पाते हैं और ना ही खुद को शांति या समाधान से रख पाते हैं। और इसीलिए अगर हमें अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना है, तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम कहीं बगीचे में या बहुत सारे फूल जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे जाएंगे, तो पता चलेगा कि
मोगरे के फूल का भी एक अपना सुगंध है, फ्रेग्रेंस है, उसका उसका एक अपना सौंदर्य है, और गुलाब का एक अलग से अपना सौंदर्य है, उसमें कांटे भी है लेकिन फिर भी उसका एक अलग सौंदर्य है। हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि गुलाब में तो कांटे हैं, मोगरे का तो कलर ही सफेद है, इसमें कोई रंग नहीं है, क्योंकि मोगरा अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है, गुलाब अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। तो जब हम ये कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं कि ये ऐसा क्यों या वो ऐसा क्यों है, तो अपने आप हमारी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि मोगरा मोगरे की जगह सर्वश्रेष्ठ है, गुलाब गुलाब की जगह सर्वश्रेष्ठ है। हम दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, या कोई सबको हर कोई ऐसा ही होना चाहिए, ये सोचना गलत बात है। या सामने वाली व्यक्ति मेरे एक्सपेक्टेशन जैसी नहीं है तो मुझे उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, वो अलग है तो वो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, स्वीकार नहीं कर सकती, ये गलत बात है। ये हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो हमारा एक्सेप्टेंस ऐसा होना चाहिए कि उस बात के लिए हमारे हमें चेक करना चाहिए कि क्या हमने सचमुच इसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि कई बार मैं जब एक्सेप्टेंस बारे में बोलती हूँ तो मेरे क्लाइंट्स या मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ मैंने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन नहीं, अगर आपके मन के अंदर दुख है, आपको बुरा लग रहा है, आपका दर्द अभी मिटा नहीं, तो आपने आप नाराज़ हो उस बात से, तो आपने उस बात को अभी पूरी तरह सहजता से एक्सेप्ट नहीं किया है। तो तब तक आपको उस बात को फर्गीवनेस देना पड़ेगा, फर्गीवनेस पर काम करना पड़ेगा, माफी का काम करना पड़ेगा, या फिर होपनोपोनो का टेक्निक जो हमने देखा है, मैं वीडियो यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ, उस पर काम करना पड़ेगा। जब तक हमारा एक्सेप्टेंस 100% हम स्वीकार नहीं कर लेते कि ये ऐसे ही है, फिर चाहे वो चीज हो, घटना हो, व्यक्ति हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की ओर। हमेशा की तरह अगर आपको कोई इसके बारे में सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद।